Hi guys, welcome to my channel. So today's video is more of a mini vlog where the first part of the vlog is get ready with me to celebrate my anniversary with my boyfriend, who is also now my fiance, and we're soon going to get married next month. Yes, in the month of June. So uski bhi taiyariyan chal rahi hai. In the meantime, I'm also preparing these sort of videos. तो बहुत ज़्यादा hectic schedule हो रखा है. Okay, so other part of the vlog is the venue, you can say. मतलब जहाँ पे आप एक fine dining experience के लिए जा सकते हो, और you can say a luxury dining experience at Taj Mahal Hotel, New Delhi. And वहाँ पे we tried the chef's tasting menu, and they have served around 5 different courses, जो कि बहुत ही ज़्यादा delicious थे. I mean the quantity was also huge, एक इंसान के लिए तो बहुत ज़्यादा था, literally बहुत ज़्यादा था. मतलब बहुत पेट पे bloating हो गई थी the next day. तो वैसे तो टेस्टी तो बहुत था, बट हाँ क्वांटिटी कुछ ज़्यादा है तो आपको थोड़ा सा ओवर ईटिंग करनी पड़ जाती, बिकॉज यू आर स्पेंडिंग अ लॉट ओवर देयर, सो यू कैन नॉट एफोर्ड टू वेस्ट दी फूड. एंड एनी वे आई एम अगेंस्ट दी पॉलिसी ऑफ वेस्टिंग फूड, तो वो मैंने नहीं करा, मैंने सारा खा लिया. बट हाँ बहुत ज़्यादा पेट भर गया था मेरा. बट येस, इफ आई टॉक अबाउट द वेन्यू, इट्स fabulous, it's mind blowing. The ambience, the service and everything is simply exceptional. So baki ki matlab details I'll give you at the later stage of the vlog. So without wasting a lot of time, let's get into the vlog. Okay, so main subah uth chuki hu, aap jaisa dekh sakte ho yahan side mein. और मैंने रियलाइज़ करा भाई थोड़ी अपनी बाल और फेस की हालात चेक करते हैं, एंड अकॉर्डिंगली आई हैव टू गेट रेडी. आई ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर दी डे. तो मैंने देखा यार बाल तो बहुत ज़्यादा ऑयली हो रखे हैं, तो मैंने सोचा लेट्स गो फॉर अ शैम्पू. मैंने सोचा था हाँ मैं फेस पैक भी अप्लाई करूँगी, बट इट वॉज़ नॉट एनी वीकेंड, सो आई डिडंट गेट द टाइम. आई वॉज़ ऑल्सो वर्किंग दैट डे. तो मैंने सब शैम्पू से काम चला लिया. और आप देख सकते हो मैं अपने बालों में बहुत ज़्यादा केमिकल्स यूज़ करना प्रेफर नहीं करती हूँ. लाइक दो मुझे केराटिन भी करवाना है अपने बालों में, बट अपार्ट फ्रॉम दैट मैं अपने स्कैल्प पे आई अवॉइड यूजिंग अ लॉट ऑफ हार्श शैम्पूज. सो आई मतलब आई गो फॉर डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड शैम्पूज. तो जैसा आप देख सकते हो आई यूज़ दिस सेबो वॉश. Even you can use it if you have the gotten keratin done at your hair, क्योंकि I mean on your hair, क्योंकि ये सल्फेट फ्री होता है, तो आप इसको भी यूज़ कर सकते हो. बहुत ही ज़्यादा अच्छा शैम्पू है ये. और मैंने कंडिशनर ये वाला यूज़ करा है, और मैं शैम्पू करके आ चुकी हूँ. जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे बाल एक्सट्रीमली वेट है, और अब मैं इनको करूँगी ब्लो ड्राई. सो मैंने अपने बालों को पार्शली ड्राई कर लिया है, लाइक पूरी लेंथ को ड्राई नहीं करा यूजिंग दिस फिलिप्स का ब्लो ड्रायर. ये मैंने बहुत पहले लिया था, बट स्टिल इट्स फंक्शनिंग, तो मैं इसी को यूज़ कर रही हूँ. सो मैंने कर लिया अपने बालों को ड्राई, और मैंने ये जो घाड़ वाला सेटअप बनाया हुआ है, सो पीछे में आप देख सकते हैं दैट इज़ माई ड्रेसिंग टेबल. वहाँ पे मैं शूट नहीं कर पा रही थी बिकॉज ऑफ मेनी फैक्टर्स, तो मैंने ये जो घाड़ वाला सेटअप बनाया, मैंने ये ज़मीन पर ये डाला हुआ है. यहाँ पे प्लग पॉइंट है, उससे मैंने बालों को स्ट्रेट कर लिया, ऑलमोस्ट ऑल कर लिया है. मतलब बहुत स्ट्रेट नहीं करे एकदम स्ट्रेट, बट हाँ मैंने कर लिया है. थोड़े थोड़े से मैं और कर लेती हूँ. और मैंने यूज़ करे हैं फिलिप्स के ये स्ट्रेटनर. ये बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट होते हैं, मतलब ईजिली आप जैसे कोम करते हो उसी तरीके से आपके बालों को आप स्ट्रेटन अप कर सकते हो. तो बाद में करा जाएगा, अब जितना होना था हो गया. और अगर आप मेरी स्किन देखो तो यहाँ से स्किन ऐसे ना पील ऑफ हो रही है. दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट आई हैव गॉटन टू फेशियल डन रिसेंटली, लाइक इन अ गैप ऑफ 15 डेज. वन वाज द PRP ट्रीटमेंट, एंड अनदर वन वाज द वेम्पायर फेशियल. उसका मैं बहुत जल्दी एक व्लॉग डालूंगी अपने इस चैनल पे. मतलब
डालूंगी मैं. मैंने सारा शूट करके रखा हुआ, इट्स जस्ट दैट आई हैव टू एडिट एंड डू अ लॉट ऑफ थिंग्स ऑन दैट. तो वो भी मैं डालूंगी, वो आप देख सकते हैं कुछ टाइम के बाद. तो ये जो स्किन ऐसे निकल रही है ना, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि आपकी जो भी डेड स्किन्स है या डेड सेल्स है ना, उस तरीके से निकलती है एंड देन अ न्यू लेयर ऑफ स्किन विल बी फॉर्म्ड जो कि बहुत ज़्यादा ग्लोइंग होगी और फेयर होगी, क्योंकि ऑब्वियसली अभी तो इट्स एक्सपोज टू सन, तो कुछ टैनिंग वैनिंग भी हो रखी होती है. तो इस तरीके से स्किन पूरी पील ऑफ होगी, एक न्यू स्किन आएगी एंड एक ग्लो भी आएगा फेस पे, विच आई एम वेटिंग फॉर कि कब आएगा. तो चलो अब हम रेडी हो जाते हैं टू सेलिब्रेट माई एनिवर्सरी. तो क्योंकि मेरी स्किन कुछ ज़्यादा ही ड्राई हो रही है और वैसे भी मेरी स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई है, सो हाउ विल आई डू इज़, जो फर्स्ट चीज़ मैं लगाने वाली हूँ, दिस शुगर का, दिस इज़ एक्वाहॉलिक हाइड्रेटिंग स्टिक. तो इसी से शुरुआत करते हैं पहले. तो बेसिकली ड्राइनेस हटाने के लिए है. So I have applied this Aquaholic hydrating stick. Now on top of that I'll use Aquaholic hyaluronic serum, जो कि again it's of sugar cosmetics. थोड़ा सा मैं यहाँ पे ऐसे ले रही हूँ. मतलब मैं कोई बहुत प्रो मेकअप आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं बहुत ही वेगली थोड़ा मेकअप अप्लाई करूँगी विदाउट यूजिंग ब्रश एंड स्पॉन्ज एंड ब्यूटी ब्लेंडर जो भी होते हैं. मैं सारा ब्लेंड अपने हाथों से करने वाली हूँ. आप देखोगे तो ये इस तरीके से यहाँ के जो स्किन पील ऑफ हो रही थी दैट इज़ नाउ नॉट विजिबल. हाँ अब देखो ये जो ये वाला पैच ना, दैट इज़ लाइक अ फेयरर पार्ट एंड बाकी के जो थोड़े डार्क है, तो ये वही स्किन पील ऑफ यहाँ पर ऑलरेडी हो चुकी है. सो दिस इज़ दी न्यू स्किन एंड अभी बाकी के होने बचे हैं. सो ये भी हो गया. नाउ आफ्टर दैट आई एम यूजिंग दिस लैक्मे का मॉइस्चराइजर. हाँ मिक्स हो गया. अब लगाएंगे सनस्क्रीन. दिस सनस्क्रीन शैडो फिक्स डर्मा शैडो आर एक्स SPF 70 प्लस सनस्क्रीन. थोड़ा अच्छा खासा अमाउंट ले रही हूँ, लाइक आई हैव टेकन दिस मच एंड थोड़ी ज़्यादा क्वांटिटी मैं इसलिए ले रही हूँ बिकॉज वही स्किन ड्राई हो रही है, अदरवाइज आई यूजुअली डोंट पुट अ लॉट. सो ऑलमोस्ट ऑल हो गया, जस्ट वन स्टेप लेफ्ट. आई हैव टू पुट अ प्राइमिंग मॉइस्चराइजर बिफोर अप्लाइंग द फाउंडेशन. सो अगेन अश फ्रॉम शुगर कॉस्मेटिक्स. सारी ड्राइनेस चली गई है. नाउ द फाउंडेशन जो कि मैं अपने हाथों से ही लगाने वाली हूँ. बहुत ज़्यादा नहीं लगाना मुझे, आई हैव टेकन दिस मच, क्वांटिटी बहुत ही कम है, थोड़ी सी और ले लेती हूँ. दिस इज़ दी क्वांटिटी दैट आई एम यूजिंग. अब इसके ऊपर मेरे पास सेटिंग पाउडर तो है बट मैं कोई सेटिंग पाउडर से नहीं यूज़ करूँगी. आई एम यूजिंग अ सिंपल लैक्मे का 9 to 5 कॉम्पैक्ट जो कि इस तरीके के आता है. दिस इज़ द टॉप पार्ट, ये वाला मैं अप्लाई करूँगी. अब हम लगाएंगे लिपस्टिक. आई बी पुटिंग आईब्रो पेंसिल, तो मेरे थोड़े से आईब्रोज थोड़े डिफाइंड हो जाएंगे. देन आफ्टर दैट आई बी पुटिंग आई लाइनर, ग्रीन काजल एंड बिट ऑफ मस्कारा. तो ये सारी चीज़ें मैं लगा के आती हूँ आपके सामने. सो मैं जो पहनने वाली हूँ, सो आई बी वेयरिंग दिस. दिस इज़ फ्रॉम रितु कुमार. अभी मुझे इसको प्रेस करना है. आई प्रेस दिस अप. दिस इज़ फ्रॉम रितु कुमार. मैंने कुछ रितु कुमार से कुछ 4 आउटफिट्स लिए थे. एक्चुअली इट वॉज़ गिफ्टेड टू मी बाय माई फियांसे. उसकी भी मैं वीडियो बनाने वाली हूँ, बहुत जल्दी डालूंगी सारी चीज़ें अपने चैनल पे. तो ये शर्ट पहनने वाली हूँ मैं. आई प्रेस दिस. देन दिस इज़ द ट्राउज़र दैट आई एम गोना वेयर. इसके साथ ये वाला ट्राउज़र पहनूंगी और
फिर मैं आपको पहन के मिलती हूँ। सो मैं तैयार हो चुकी हूँ, माई मेकअप इज डन। मैंने वही जितना मैंने तब करा था उतने करा, आई हैव नॉट अप्लाइड मस्कारा एट ऑल। मैंने ये आउटफिट पहन लिया है, मैंने ट्राउजर्स पहन लिए हैं। आई पेयर दिस अप विथ दिस हील, इस कलर के हील्स के साथ मैं इसको टीम अप करूँगी। वो हील्स कुछ ये हैं। सो पूरे लुक के लिए मैं यहाँ पे कुछ फ़ोटोज़ लगा देती हूँ। ये रही कुछ फ़ोटोज़, ये कुछ फ़ोटोज़ है मेरी। एंड डिटेल्ड लुक के लिए आप मेरी वीडियो देख सकते हैं जो कि मैं अपलोड करूँगी वेरी सून, लाइक इन 5-6 days आई अपलोड दैट वीडियो। एंड आपको वहाँ पे डिटेल्ड वीडियो मिलेगी अबाउट दिस फैब्रिक, अबाउट द कॉस्टिंग, अबाउट ईच एंड एवरी माइन्यूट डिटेल। एंड आप उसमें पूरा लुक भी मैं बहुत अच्छे से आप देख सकते हैं। अभी के लिए आप काम चलाने के लिए फ़ोटो उससे काम चला लीजिए। तो अब हम मिलते हैं ताजमहल पैलेस में। सो इट्स टाइम फॉर द सेकेंड पार्ट ऑफ द व्लॉग। एंड इसमें मैंने बहुत सारी वीडियोज़ नहीं ली है बिकॉज ऑब्वियसली आई वॉज एन्जॉइंग एट द मोमेंट। एंड मैं कैमरे को ले लेके ऐसे 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 नहीं घूम रही थी। एंड आई वॉज ऑल्सो गिविंग टाइम टू माई फियांसे। तो हम यहाँ गए थे, सो दिस वॉज द प्लेस। ही एक्चुअली हैज़ प्लान ईच एंड एवरी थिंग। इट वॉज हिज आइडिया टू टेक मी टू दिस प्लेस और मुझे बहुत मज़ा भी आया। एंड द मोमेंट आई एंटर्ड इन टू दी होटल, लाइक इट वॉज गॉर्जियस। लाइक द लॉबी वॉज डेकोरेटेड सो ब्यूटिफुली, बहुत ज़्यादा सुंदर आर्किटेक्चर था। लाइक द नेम ओनली कैन सजेस्ट ताजमहल, मतलब अंदर जाते ही वो थोड़ा सा ना एक मुगल वाला एम्पायर उस तरीके की फीलिंग आ रही थी। एंड जस्ट लुक एट दीज डेकोरेटेड वॉल्स, लाइक दी हैंड क्राफ्टेड वॉल्स, क्या सुंदर वॉल्स हैं। मतलब मैं क्या बताऊँ इसकी ब्यूटी देखे, वो सो मेसमराइज्ड। मैं मतलब आई एम फॉलिंग शॉर्ट ऑफ वर्ड्स, इतनी अच्छी वॉल्स थी वहाँ पे। एंड सी दीज फ्लावर्स एट दी लॉबी, क्या प्यारा डेकोरेशन था, लाइक लिटरली सो नाइस। एंड लाइक दिस इज़ दी बेस्ट पार्ट ऑफ दिस ताजमहल होटल। मतलब ये जो इनका स्टेयरकेस है, ये इनका आई थिंक दिस इज़ दी वन ऑफ दी बेस्ट प्लेस ऑफ दिस पर्टिकुलर होटल। यहाँ पे अगर आप इंस्टाग्राम पे भी जाओगे ना तो आपको बहुत सारी फ़ोटोज़ मिलेंगी डिफरेंट लोगों की हु आर वेल नोन फेसेस इन द इंडस्ट्रीज़। तो आपको इस पर्टिकुलर एरिया पे उनकी फ़ोटोज़ बहुत सारी मिलेंगी। एंड यहाँ पे मैं पहले भी बहुत पहले गई हुई हूँ, लाइक आई वेंट इन द ईयर 2019। तो यहाँ पे मेरी मम्मी की भी एक फ़ोटो है। ये मेरी मम्मी की एक फ़ोटो है। सो वी वेंट टू सेलिब्रेट हर बर्थडे, सो वो भी बहुत अच्छा मोमेंट था मेरे लिए। सो ओके नाउ, तो आप देखेंगे कि हमने ये बहुत अच्छे से इस पूरे एरिया को एक्सप्लोर करा। हमने इतनी सारी वीडियोस बनाई नहीं है और हम बस वहीं पे मोमेंट को एंजॉय कर रहे थे। और जो हम जिस वेन्यू पे गए थे, दिस वाज दिस प्लेस, इट वाज वर्क, मतलब आई डोंट नो द करेक्ट प्रोनंसिएशन कि वर्क क्या बोला जाएगा, बट दिस वाज दिस प्लेस। एंड लुक एट दी एम्बियंस एंड द डेकोर, अगेन दी वॉल्स आर डेकोरेटेड सो ब्यूटिफुली। और हम धीरे धीरे करके एक एक करके 5 courses meals को आप देख सकते हैं इस वीडियो में। सो ये तो वाइन है, नाउ द मील स्टार्ट्स। खाने का वीडियो क्या बना So it was overall a very beautiful experience for me. मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया था और मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा भी आया। एंड हमने बहुत अच्छे से इन्जॉय करा। सो आप भी अगर कोई भी अपने एक स्पेशल डे प्लान कर रहे हैं एंड यू वॉन्ट टू मेक इट मेमोरेबल, तो आई थिंक दिस इज़ द प्लेस वेयर यू कैन गो। बट या इट्स नॉट सो पॉकेट फ्रेंडली,
तो इफ़ यू आर स्लाइटली हायर ऑन योर बजट साइट्स तो दिस इज़ द प्लेस, लाइक दिस इज़ द प्लेस. बहुत अच्छा एम्बियंस प्लस टेस्टी फूड प्लस एक यादगार लम्हा यू कैन से, आपके जहन में हमेशा रहेगा ये. सो येस, यू कैन गो टू दिस प्लेस. सो दैट्स इट फ्रॉम माई साइड इन टुडेज व्लॉग. लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो, जो कि मैं प्लान करूँगी क्या होगा अभी मुझे नहीं पता. आई हैव क्रिएटेड 3-4 वीडियोज़ बाई नाउ, तो मैं उसमें से कोई एक अपलोड करूँगी. एंड येस, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी, सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई वीडियोज़ एज मच एज पॉसिबल, शेयर भी कर दो प्लीज़. 2 सेकेंड लगेगा, ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, करो थोड़ा सा निकाल विकाल के टाइम कर लो. एंड येस, बाय.